मार्केट में भी हैंडमेड ही होते हैं, इसीलिए अगर आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। मेहनत तो हर चीज़ में है फ्रेंड्स, इसमें भी मेहनत लगेगी ही, लेकिन बहुत सुंदर लगता है ये, देखिए। और ये चीज़ सारे मार्केट में अवेलेबल है आसानी से। नमस्ते फ्रेंड्स, मिसेस होम मेकर विथ न्यू आइडियाज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टियारा बताने जा रही हूँ। ये आजकल बहुत ही ट्रेंड में है और लड़कियों को काफ़ी पसंद आ रहा है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो देखिए और इसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए जो मेन सामान चाहिए हमें, वायर है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ये अभी करीब 1 रुपये से 2 रुपये पीस मिलते हैं। इसे आप 10 से 12 पीस ले लीजिए। पॉलेन, कुछ फोम फ्लावर्स, कुछ बड़े फ्लावर्स चाहिए, मोती, कलर आप अपने पसंद अनुसार ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टियारा बनाना। टियारा बनाने के लिए हमें वायर वाले फ्लावर्स की आवश्यकता होगी। इसमें वायर नहीं है तो चलिए मैं बताती हूँ इसमें पहले वायर कैसे लगाते हैं। अगर आपको इस तरह के फ्लावर लेकर बनाने हों तो हमें वायर इसमें इंसर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम वायर को गर्म करेंगे। वायर गर्म हो जाए तो हम यहाँ पीछे से इसे इंसर्ट कर देंगे। देखिए बहुत ही आसानी से बीच में आ गए हैं। अब इसे लॉक करने के लिए सबसे पहले हम एक मोती डालेंगे। मोती डालने के बाद अब इसे हम इसे फोल्ड करके लॉक करेंगे। इसे अच्छी तरह मोड़ दीजिए, इसे लॉक हो जाएंगे। इसी तरह आपको जितने तैयार करने हो तैयार कर लीजिए। वायर हमेशा लंबा रखिएगा। हमें जितना लगाना था हमने तैयार कर लिया इस तरीके से। अब दूसरा काम है वायर से हमें गोल्ड रिंग बनाना। ये वायर पतले होते हैं इसलिए कम से कम हम 4-5 पीस लेकर इसे हम ट्विस्ट करेंगे ताकि ये थोड़ा मोटा और मजबूत हो जाए। ये हमने 4 पीस ले लिया है। ये मैं बड़े बच्चे के लिए बना रही हूँ इसलिए इसका लेंथ पूरा रखूँगी। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो सिर के नाप के अनुसार कट कर लीजिएगा, उसके बाद ट्विस्ट कर लीजिएगा। अच्छी तरह ट्विस्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने ट्विस्ट कर लिया है। अब इसे हम ग्रीन टेप से कवर कर देंगे। इस तरह से कवर कर लेते हैं पूरा। ग्रीन टेप कंप्लीट करने के बाद हम इसे लॉक के लिए यहाँ से फोल्ड कर देंगे। अब इसे यहाँ से पहले थोड़ा फोल्ड कर लेंगे ताकि हम जब यूज़ करें तो ये चुभे ना। इसे आप हाथों से भी कर दें अगर आपके पास टूल्स ना हो तो। पहले इसे मोड़ लीजिए, उसके बाद बड़ा सा गैप कर लीजिए इस तरीके से। ये वाला तैयार हो गया। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब हम मोती का काम करेंगे। अब मैं एक वायर ले लूँगी, अब उसमें मोती डाल दूंगी। मोती डालकर इस तरह से बीच में करूंगी और इसे ट्विस्ट करूंगी इस तरीके से। ट्विस्ट हो जाने के बाद करीब 1 इंच, देखिए इस तरीके से आपको लंबा रखना है। अब फिर वायर में दूसरा मोती डालूंगी। फिर इसी तरह हमें ट्विस्ट करना है। फिर इसी तरह
इस साइड वाले में डालूंगी। ऐसे करके ही चार पांच मोती डालकर मैं तैयार करके दिखाती हूँ। देखिए इसी तरह अल्टरनेट करके दोनों साइड से बनाते जाऊँगी। अब इसे पूरी तरह ट्विस्ट कर लीजिए और आपको जितनी क्वांटिटी में लगानी हो उतनी क्वांटिटी में बना लेते हैं। आप इस तरह के मोती के बजाय क्रिस्टल मोती भी यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल मोती भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने पूरा एक वायर लगा दिया है। हमेशा मोती वायर के मिडिल से स्टार्ट करिएगा। सिंगल मोती से मैंने ऐसे बताया है। अब मोती का फ्लावर कैसे करूँगी चलिए बता देती हूँ। इस तरह चार पांच मोती ले लीजिए और इसमें डाल लीजिए। इस तरह से हमने डाल लिया है एक छोर में। अब दूसरे छोर के पकड़ते हुए इसे मैं डाल दूँगी। इस तरह से निकालूँगी सारे मोतियों में। देखिए निकल गए हैं। अब इसे खींच देती हूँ। खींचने से क्या है फ्लावर के रूप में आ जाएंगे। इसे सेट कर दें। देखिए अब इसे फिर ट्विस्ट कर देंगे। इसे ट्विस्ट करने से पहले एक मोती और डालूँगी। अब इसे यहाँ से निकाल दूँगी। अब इसको बीच में सेट कर दूँगी। देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर तैयार हो गया है। इस तरह आप जितना चाहे फ्लावर बनाकर टियारा में लगा सकते हैं। अब इसे ट्विस्ट कर दें। इसी बंच में आप और ज़्यादा भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन वायर आपको काफ़ी लंबी रखनी होगी। अब हमने सब तैयार कर लिया है। मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीका बता दिया है फ्रेंड्स, इससे आप आसानी से बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब इसे हम सेट करते हैं। सबसे पहले हम बीच में एक बड़ा फ्लावर लगाएंगे, ये वाला वायर से। अब इसे हम ट्विस्ट कर देंगे। देखिए हमने ट्विस्ट कर लिया है। अब डिज़ाइन के अनुसार सेट करते जाएंगे। अब मैं इसे लगा दूंगी। इसे भी सेट करेंगे। देखिए और इसे ट्विस्ट कर दूंगी। देखिए इस तरह से हम सेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वायर हो तो उसे हम कैंची या प्लायर की सहायता से कट करके हटा देते हैं। इसी तरह दूसरे साइड में भी सेट कर देंगे। अभी हम इसे लगा रहे हैं, बाद में हम इसे अच्छी तरह सेट करेंगे। वायर है इसलिए अच्छी तरह से जैसा हम चाहे ट्विस्ट करके इसे हम सेट कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था इस तरह के मैं तीन फ्लावर लगाऊंगी, तो बीच में मैंने एक लगा लिया। उसी हिसाब से एक साइड एक लगाऊंगी और दूसरे साइड दूसरा लगाऊंगी। उसके बाद बीच में बाकी हम फ्लावर और पॉलन सेट करेंगे। यहाँ वायर वाले लीव्स है, इसे भी हम यहाँ सेट करेंगे। इस तरह से हमने लीफ सेट किया है। अब हम पॉलन लगाएंगे, इसे सेट करेंगे। अब इसी के साथ साथ हम इस तरह के फोम फ्लावर भी सेट करते जाएंगे और गैपिंग को कवर करते जाएंगे। देखिए फ्लावर के वो पॉलन के साथ सेट कर दिया है। इसी तरह हम सेट करते जाएंगे ताकि गैप कवर हो जाए। मैंने सिंगल सिंगल बताया है, आप चाहे तो फ्लावर और पॉलन को लेके एक साथ ट्विस्ट कर लीजिए, उसके बाद वायर में लगाइए, मेन वायर में। अब हम एक पत्ता, एक पॉलन और एक फ्लावर को ट्विस्ट करके उसमें ऐड करेंगे।
अब मैंने जो ये मोती के फ्लावर बनाए थे उसे यहाँ सेट करेंगे। अब इसी के साइड में हम फ्लावर भी सेट कर देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने फोम फ्लावर, पोलेन और लीफ की सहायता से गैप को कवर कर दिया है। अब इस गैप में लास्ट में इसे सेट करूंगी और पोलेन और फ्लावर से कंप्लीट करूंगी। आप चाहे तो इस तरह से आप रोज़ पिन बना सकते हैं, जो मार्केट में बहुत ही महंगे मिलते हैं। आप अपने वाजिब दाम में इसे आसानी से बना सकते हैं। मैं अपने पहले की वीडियो में बताई हूँ इसे कैसे बनाया जाता है। अगर आपको चाहिए तो सर्च कर लीजिएगा। इसे इस तरह लास्ट में सेट कर रही हूँ। मैंने ये साइड लगा कर कंप्लीट कर दिया है। अब ये साइड भी लगा कर कंप्लीट कर दूँगी इस तरह से। फ्रेंड्स, हमारा सारा फ्लावरिंग और पोलिन का काम कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम दोबारा ग्रीन टेप की मदद से पूरा कवर करेंगे। कवर करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन उसे कट कर करके कवर करिएगा, वरना जो वायर्स हैं वो बालों में फंसेंगे। अब इसमें हम सैटन रिबन काट कर सेट कर देते हैं। जितना तक पॉसिबल हुआ है हमने ग्रीन टेप से कवर कर दिया है। इस तरह से इसमें हम रिबन डालकर नॉट लगा देते हैं। इस तरह से मैंने रिबन लगा कर सेट कर लिया है। जब भी आप पहनने जाएं उसे थोड़ा सेट कर लीजिए, क्योंकि वायर है थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं रखने से। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन पसंद आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।